नहीं नहीं नहीं, शीतलता से मैं जीतूंगा, क्रोध में आके नहीं लड़ूंगा, शीतलता से मैं जीतूंगा, क्रोध में आके नहीं लड़ूंगा। शाबाश। माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। नहीं नहीं नहीं, सदा मैं संतुष्ट रहूंगा, ज्ञान रत्न से झोली भरूंगा, सदा मैं संतुष्ट रहूंगा, ज्ञान रत्न से झोली भरूंगा। शाबाश। माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। नहीं नहीं नहीं, मोह जाल को मैं तोड़ूंगा, नाता शिव बाबा से जोड़ूंगा, मोह जाल को मैं तोड़ूंगा, नाता शिव बाबा से जोड़ूंगा। शाबाश। माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। नहीं नहीं नहीं, देहभान में नहीं आऊंगा, नम्र चित बन के दिखाऊंगा, देहभान में नहीं आऊंगा, नम्र चित बन के दिखाऊंगा। शाबाश। माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। माया की छाया से बचना जरा, शांति। गंगा के तट पर किसी एक योगी का आश्रम था। एक दिन उसने अपने शिष्य से कहा कि कमरे में जाकर कोई किताब रख के आ जाओ। तो वो शिष्य गया और घबरा कर वापस आया तो गुरु ने पूछा, क्या हुआ, इतने क्यों घबरा गए? उस शिष्य ने कहा, कमरे में एक सांप है। तो गुरु कहता है, इसमें घबराने की क्या बात है, वापस जाओ, कोई मंत्र पढ़ो, वो मंत्र सुनकर सांप चला जाएगा। वो जाता है, मंत्र पढ़ता है, परंतु सांप नहीं जाता और फिर वापस लौटता है। गुरु कहता है, एक लकड़ी लेकर जाओ और कमरे में यहां वहां आवाज करो, ठोक के, शायद सांप चला जाए। तो शिष्य जाता है और लकड़ी
यहां वहां ठोकता है, आवाज करता है, परंतु सांप टस से मस नहीं होता। वो फिर वापस लौट कर जाता है। अब क्या करे? तो गुरु कहता है कि एक दिया लेकर जाओ, शायद इससे इसके प्रकाश में तुम ये देख पाओगे सांप कैसा है। तो वो शिष्य दिया लेकर जाता है और जैसे ही दिया लेकर जाता है, देखता है वहां सांप तो है ही नहीं, वो क्या है, एक रस्सी है। और आकर अपने गुरु से कहता है कि मैं दिया लेकर गया परंतु वहां सांप तो था ही नहीं, वहां तो रस्सी ही थी। गुरु कहता है ये भ्रम हुआ था, भ्रम हुआ था। जैसे तुमने रस्सी को सर्प समझ लिया, उसी तरह यह संसार भी एक भ्रम जाल है। उसी तरह इस संसार में भी जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, जो सत्य भास रहा है वो असत्य है, जो नित्य है वो अनित्य है, जो सार भास रहा है वो असार है, जो शाश्वत दिख रहा है वो नश्वर है। सुबह की साकार मुरली में एक वाक्य आया है, इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो, आत्मा जो कुछ देखती है, क्या है, सब माया ही माया है। ये देह भी माया है, ये मायावी जगत है। माया अर्थात इल्यूजन, माया अर्थात भ्रम, माया अर्थात चीजें वो नहीं है जो भास रही है, जो दिखाई दे रही है। भ्रम हो रहा है आंखों को। व्यक्ति वैसे नहीं है जैसे दिखाई दे रहे हैं, संबंध वैसे नहीं है जैसे दिखाई दे रहे हैं, खुशी वैसी नहीं है लोगों की जो ऊपर से दिखाई दे रही है। ब्रह्मचार्य, इसके लिए क्या कहा सुबह, जो कुछ आत्मा देखती है सब क्या है, माया ही माया। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, माया ही माया। माया व्याप्त है संसार में, जब तक अंतर का प्रकाश न जगे बाहर भ्रम होते रहेगा। और ज्ञान ही वो प्रकाश है, जब तक ज्ञान का दिया न जले अंतर मन में, तब तक व्यक्ति धोखा खाते रहेगा, फंसता रहेगा, गिरता रहेगा, दगा होगा उसके साथ गबन। इसके लिए यदि भ्रम हो रहा है, और भ्रम ही दुख का कारण है जीवन में, यदि जीवन में जरा भी दुख है, आज कहा इस संसार में दुख ही दुख है, गंध है, यदि दुख की जरा भी फीलिंग है, दुख का जरा भी अनुभव है, तो शायद हम भी भ्रम में जी रहे और शायद हम भी उस अंधकार में ही कोठरी में है जहां पर हमें रज्जु सर्प भासता है। इसके लिए ज्ञान के प्रकाश को लाना है हृदय में। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं, अंधकार नहीं मिटेगा, दुख दर्द की फीलिंग नहीं जाएगी, आत्मा डूबी रहेगी उसमें और गलतियां होती रहेगी, एक गलती दूसरी गलती, वन मिस्टेक दूसरी मिस्टेक, एक ब्लंडर दूसरा ब्लंडर, गफलत पर गफलत, धोखे पर धोखे, और फिर
अंततः पश्चाताप, खुशी गुम, व्यर्थ संकल्प, मन बुद्धि और संस्कार वरदान में था, तीनों ही प्रभावित होंगे। इसके लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है, और बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की सार्थकता उसके उपयोग में है। ज्ञान तो बहुत है परंतु उपयोग नहीं किया जा रहा है तो वो व्यर्थ है। ज्ञान की खोज और ज्ञान की पिपासा बहुत अच्छी चीज है, परंतु कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते, वो ज्ञान के लिए भी है। केवल ज्ञान सुनते रहना सुनते रहना सुनते रहना, इससे भी कुछ नहीं होगा। ज्ञान प्रकाश बन जाए, अंतर मन के अंधकार को मिटा दे, और नहीं मिट रहा है अंधकार तो शायद प्रकाश की गुणवत्ता कम है। शायद प्रकाश कम है, उस प्रकाश को बढ़ाना है, समझ को बढ़ाना है। तो मुरली में कहा, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, आत्मा जो कुछ देखती है, सब माया ही माया है। दिखाई दे रहा है पानी है, जाकर देखो तो पानी है ही नहीं। रेगिस्तान का रुन्य का पानी, रेगिस्तान का ओयासिस, विलो द विप्स, स्वयं को देखना है कि जिन चीजों को हमने सत्य मानकर पकड़ रखा है शायद मन के भ्रम है। और प्रकाश को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो माया के असंख्य रूप है और हर दिन नित नए रूप है। वही रूप नहीं है जो कल था, वही रूप नहीं है जो सुबह था। शाम की माया अलग, रात की माया अलग, दिन की माया अलग, सुबह की माया अलग। रात का तिलस्म तोड़ना होगा यदि इस माया के भ्रमजाल से स्वयं को मुक्त रखना है, क्योंकि जब जब हमने भूले की है वो भ्रमवश की है, विस्मृति के कारण की है। यदि उस समय संपूर्ण स्मृति होती तो शायद वो पाप अपराध विकर्म कुकर्म श्रीमत का उल्लंघन नहीं होता। निरंतर जागरण की आवश्यकता है, सतत जागरण, होश, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस। इतिहास में दिखाया है छोटा चंद्रगुप्त कोई एक अभियान में सफल हो जाता है और वो बड़ा ही दुरूह कठिन अभियान था, कई मुसीबतों का सामना किया, दुर्गम चोटियां पार की और अंततः विजय प्राप्त की। और वो विजय का उत्सव मना रहा है अपने मित्रों के साथ। उसके गुरु उसको कहते हैं, विजय का उत्सव मनाना समय को बर्बाद करना है, बेहोशी है। एक अभियान सफल हुआ, अब दूसरा अभियान। इस संसार की किसी भी सफलता से तुम्हें खुश होने की आवश्यकता नहीं है। योगी अर्थात स्थित प्रज्ञ, यहां की बातें उसे ना दुखी करती है ना सुखी करती है। संसार के सुख और दुख के सागर योगी को भिगो नहीं सकते, ये योगी की अवस्था है। इसलिए अति भावुक होना
मन की कमजोरी है। ये पथ चिंगारियों से भरा है, कटीले रास्ते हैं, कंटका पूर्ण है और इस पथ पर अकेले ही चलना है आगे। ना कोई साथी, ना किसी का सहारा, ना किसी का अवलंबन, और हमारी यात्रा तो शरीर को छोड़कर बाहर जाने की है। मुरली में कहा, ये ख्यालात दूसरे लोगों को नहीं आ सकते, केवल तुम ही ये सोच सकते हो कि मैं आत्मा अब चली ऊपर, बाबा के घर, बाबा के पास। इस शरीर से ममत्व छूट गया, टूट गया, मिट गया, हट गया, समाप्त हुआ। तो माया के तो ढेर सारे रूप है, जहां देखो वहां माया ही माया, सर्वव्यापी है। सात रूप हम देखेंगे माया के, परंतु वो सात नहीं होंगे, ढेर सारे हो जाएंगे। एक से एक, दो में दो, तीन में तीन, चार में चार और पांच में पांच और छह में छह और सात में सात, कितने हो गए? 28। सबसे पहली माया एक शरीर, शरीर ही माया है, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रमजाल ये देह ही है, ये देह ही खींचता है। क्यों खींचता है? आज की मुरली में उत्तर है, खींचता क्यों है शरीर? पांच तत्व क्या? ये देह पांच तत्वों का पुतला है, ये देह पांच तत्वों का बना हुआ है और ये तत्व यहां है, इसलिए खींचते रहता है। जाना नहीं चाहती आत्मा, निकलना नहीं चाहती इस शरीर से। जरा कुछ हो गया तो किसको बुलाते हैं? जीवेशना, जीना है, शरीर में ही रहना है। और भगवान आकर शिक्षा देते हैं, इस शरीर को छोड़कर तुम्हें जाना है, शरीर से ममत्व हटा दो, निर्ममत्व की अवस्था। कैसे निर्मम और निष्ठुर वाक्य है, पर भगवान उवाच वो कह रहा है, क्योंकि वो त्रिकाल को देखता है। तो सबसे पहली माया जो है वो है देह की माया, देह का आकर्षण, देह के भोग, देह की इच्छाएं, देह की तृष्णाएं, देह का स्पर्श खींचता है, एडिक्टिव है, लत है उसमें। एक बार हुआ, जो सुख उसे मिलता है वो सुख ही उसे खींचता है, क्योंकि अंतर में सुख की कमी है और सुख आत्मा में है, और आत्मा की विस्मृति अर्थात सुख की खोज चालू। और कहां ढूंढेगी सुख? सबसे बड़ा स्रोत है शरीर। जब अपने शरीर से तृप्ति नहीं होती तो किसी और के शरीर में। देह के भ्रम को समझना है। बाबा ने कहा, पांच तत्वों का पुतला है, छींची शरीर है, झूठन का झूठन का झूठन का झूठन झूठा है, मिट्टी है, मलमूत्र से भरा पड़ा है। संसार में जितनी गंदगी इस देह में और शायद कहीं होगी,
एक गुरु अपने शिष्य से कहता है, जाओ तुमसे अधिक निकृष्ट वस्तु जो होगी उसको लेकर आओ। वो सोचता है मेरे से निकृष्ट तो क्या होगा संसार में। बहुत तर्क सोचता है, विचार करता है, फिर सोचता है हां एक वस्तु है विष्टा, वो जरूर निकृष्ट है। और जाता है और उसको हाथ लगाने जाता है तो वो विष्टा बोल पड़ती है। वो कहती है खबरदार मुझे हाथ लगाया तो, पहले मैं स्वादिष्ट पकवान मिष्ठान्न थी, तुमने हाथ लगाया उसके बाद में मेरा ये हाल हुआ, अब हाथ लगाओगे दोबारा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसी से भरी है ये देह, और फिर भी मनुष्य इसी देह के पीछे विक्षिप्त है, पागल है। इसी को सजाने धजाने में लगा है, इसी के सौंदर्य को निहारता है। संभाल करनी, देखभाल करनी और बात है, इसे तपस्या का साधन समझना एक बात है, परंतु भोग की सामग्री समझना यह योगी का पतन है। देयर बॉडी इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बट द व्हीकल ऑफ अपलिफ्टमेंट। देह भोग का साधन नहीं है, इससे कुछ उन्नत उच्चतम श्रेष्ठ कार्य करने हैं, और सर्वश्रेष्ठ कार्य संगम पर तपस्या ही है। आत्मा देह से डिटैच हो जाए यह अभ्यास, कौन स्त्री और कौन पुरुष, कौन सुंदर और कौन असुंदर, कौन गोरा और कौन काला, कौन भाई कौन बहन, कौन मां कौन बाप, इसी में फंसी रहती है। मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा पति मेरी पत्नी, संबंधों के ब्रह्मजाल में। तो सबसे पहली माया कौन सी है? देह। और मुक्ति का मार्ग है देह को समझना, और मुक्ति का मार्ग है देह को देख लेना, और मुक्ति का मार्ग है देह के अंदर क्या है वो देख लेना। देह से आंखें बंद नहीं कर लेना, देह दिख रही है क्या करूं, शुतुरमुर्ग होता है ना, ऑस्ट्रिच मेंटालिटी, दुश्मन आ रहा है तो क्या करता है, क्या करता है, गार्ड लेता है अपने आप को कि मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं सब ठीक है, मैंने कुछ नहीं देखा। देह की वास्तविकता क्या है समझना, जाओ अस्पतालों में और देखो शरीरों को क्या हो रहा है, कैसे मर रहे हैं, कैसे असाध्य रोगों से पीड़ित है। जाओ आदिवासियों की बस्ती में, देखो क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। मानसिक रुग्णालय में, मेंटल हॉस्पिटल्स में, वृद्धाश्रम अनाथाश्रम झुग्गी झोपड़िया, क्या अस्तित्व है, कहां है सौंदर्य, शमशान घाट चिताओं को जलते हुए देखना। और यही सत्य है जीवन का, किस लिए ये पागलपन और ये आपदा भी, जबकि सत्य ये है। तो सबसे बड़ी माया कौन सी? देह। एक देह, दो
एक अहम और दूसरा है वहम, अहम और वहम, कई मुरलियों में आया है माया के दो रूप वहम। मन ने सोच रखा है यह ऐसा है, वहम पाल रखा है, बीमारी कोई है नहीं पर लगता है बीमारी है। हमारे पास एक माता आती है, कई सालों से आ रही है, बुजुर्ग है, वो कहती है उसकी छाती में सांप है। और ये उसके लिए सत्य है, उसकी हर प्रकार से जांच हो चुकी है, एक्सरे भी उसे दिखाया गया है, पर वो मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उसकी आवाजें उसे आती है। और अब की बार जब आई थी तो कहती थी अब दो सांप है, पहले एक था अभी दो है। जिसको जितना हंसना है उस पर हंसते हैं, परंतु उसके लिए वो सत्य है और उसे नींद नहीं है क्योंकि रात भर वो अंदर खेलते रहते हैं, तो उनकी आवाजें उसे परेशान करती है। ये एक उदाहरण है, परंतु ऐसे ही कितने वहम हमने भी पाल रखे हैं औरों के विषय में, अपने बारे में। ये मेरे से होगा ही नहीं, ये ऐसा ही है, ये मेरा काम ही नहीं है, मैं कैसे करूं, मेरी क्षमता ही नहीं है ये करने की। पर हमारी स्थिति में और उस बुजुर्ग माता की स्थिति में ज्यादा अंतर नहीं है, हमने भी मन में कई वहम पाल रखे हैं, स्वयं को माया के इस रूप से भी मुक्त करना है, माइंड को ओपन रखना है बातों को स्वीकार करने के लिए, अपनी एक सोच का संकुचित दायरा, उससे हम बाहर निकल सके, और नई सोच को बढ़ावा देना है, जहां जहां से नई सोच मिले स्वीकार करना है। वो छोटे बच्चे से भी मिल सकती है, नए विचार जहां से मिले, नए संकल्प जहां से मिले, अहम। दूसरा है अहम, मैं, अहंकार, घमंड, सूक्ष्म घमंड गिराएगा कभी ना कभी, दूसरों को कम समझना, कम आंकना, और इस ज्ञान मार्ग में व्यक्ति को सबसे बड़ा घमंड जो आता है वो कौन सा, कौन सा? ज्ञान का घमंड, पवित्रता का घमंड। एक महिला थी, उसे अपनी पवित्रता पर बहुत ज्यादा घमंड था, गृहस्थियों के प्रति घृणा थी, हाथ भी नहीं लगा सके मुझे कोई, दूर। साध्वी थी पर बहुत अधिक पवित्रता का ख्याल था, और जो संसार के लोग थे तुच्छ समझती थी उनको। अपने गुरु के पास जाती थी और कहती थी मुझे जाति स्मरण सिखाओ। जाति स्मरण अर्थात पूर्व जन्म का ज्ञान, इस विद्या को मुझे सीखना है। गुरु ने कहा तुम सीख के क्या करोगी, छोड़ दो, प्रकृति ने नियम ऐसा बनाया है कि पूर्व जन्म का आत्मा सब कुछ भूल जाती है, तुम भी भूल जाओ। वो कहती है नहीं, मुझे सिखाओ, मुझे बताओ। तो बड़ी मुश्किल से और अइच्छा से
गुरु उसे सिखाता है और वो अभ्यास करने लगती है। और अचानक एक दिन रात को भागकर अपने गुरु के पास आती है, कहती है कि मुझे भूलना है जो मैंने देख लिया आज। क्या देख लिया? वो कहती, मैंने अपने पूर्व जन्म को देख लिया और अब मैं क्या करूं, कैसे भी करके इसको मिटा दो। गुरु कहता है, अब ये मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये यदि जीवन है, ये मृत्यु और ये जन्म, जन्म के वहां पर एक द्वार है और ये द्वार खुलता नहीं है, टूटता है, तो पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां बाढ़ की तरह यहां आ जाती है। वो स्त्री कहती है, मैं क्या करूं, मेरा सारा अहंकार और सारा घमंड चूर चूर हो गया। क्या देखा? वो कहती है, मैंने अपने आप को देखा, पिछले जन्म में मैं एक वेश्या थी, अब मैं कैसे भूलूं इसको। गुरु कहते हैं, अब नहीं भूल सकती, तुम ही ने कहा था कि मुझे पूर्व जन्म को देखना है। किस बात का घमंड, गुमान? ज्ञान का। जैसे कहा, ज्ञान की सार्थकता ज्ञान के विस्तार में नहीं, ज्ञान के उपयोग में है। कोई संसार का ज्ञानी व्यक्ति यहां आ जाए और यहां की एक बात ज्ञान सरोवर में लिखा हुआ कोई एक स्लोगन पढ़ ले और जाकर उसका उपयोग करना चालू कर दे, और यहां कोई रह रहा है और वो रोज पढ़ता है परंतु उसका कोई असर नहीं, तो क्या कहेंगे? ज्ञान की सार्थकता उपयोग में है। पुट टू यूज। जो जो ज्ञान के छोटे छोटे बातें पता चलती है उनको तुरंत प्रयोग करना, याद की जो बातें पता चलती है उनका तुरंत प्रयोग करना। सुबह की मुरली में था, याद क्या है? क्या है? डोरी आया ना आज। याद क्या है? याद की डोरी। भक्ति मार्ग की रात, भक्ति मार्ग के धक्के खत्म हुए। तो दूसरा है अहम और वहम, वो निर्माणता स्वयं में लानी है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ समझना बाकी है। जितना मुरली को मैंने समझा है, जाना है और कार्य में लगाया है, वो तो कुछ भी नहीं है। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। नहीं तो छोटी छोटी बातों का, अपनी क्षमताओं का, अपनी विशेषताओं का, अपनी स्किल्स का, हुनर का, सेवाओं का, सेवाओं के विस्तार का, अचीवमेंट्स का, प्राप्तियों का घमंड, अहम और वहम, ये दो। उसके बाद में तीन, नाम मान और शान। नाम हो जाए, मान हमें मिले, हमें मान कम क्यों दिया? हम क्या कम VIP है क्या? शान, और अब भी हम देखते हैं कहीं कहीं लौकिक की जो जात पात थी उसका भी अभी भी अहंकार कईयों में है। हम ब्राह्मण हैं, हमारी शिराओं में राजपूतों का रक्त बहता है। उसका भी अहंकार। नाम, नाम की माया है। सुमेरु पर्वत की एक कहानी है जिसमें एक राजा जब बहुत पुण्य करता है और शरीर छोड़ता है तो उसको एक बख्शीश के रूप में
सदियों से जो प्रथा चालू रहती है कि एक बहुत बड़ा पर्वत है वहां पर उसको अपना वो नाम लिख सकता है, ये पारितोषिक जैन धर्म में यह आता है। पर वो अकेला जाके नाम लिखे इसमें क्या फायदा, हमारी कोई तारीफ करे तो हमारे घर वाले देखने चाहिए तो ही फायदा है। कहीं हमारा सत्कार हो रहा है और हमारा घर वाला या हमारे जान पहचान वाला कोई भी नहीं है तो उसका मनुष्य को महत्व कम समझ में आता है। सत्कार हो कम से कम एक तो मिल जाए जो परिचित हो, यहां रहते हैं यहां वाला कोई एक देख ले बस वो काफी है, वो फैला देगा सब जगह। और एक ने भी देखा नहीं, हमारा इतना सत्कार हुआ स्वागत हुआ और सब अपरिचित लोग बैठे हैं, मजा नहीं आया। तो वो कहता है नहीं, मैं जब अपना नाम लिखूंगा सम्राट तो मेरे परिवार वाले और सब देखे तो उसके साथ वो ये इच्छा व्यक्त करता है कि मेरे सब परिवार वाले भी मेरे साथ मर जाए, क्योंकि मरने के बाद की प्रोसेस है ये सारी। काल्पनिक कहानी हो सकती है पर जैन धर्म में सुनाई जाती है। तो वो पहुंचता है वहां पर और द्वारपाल होता है सुमेरु पर्वत का, क्योंकि अभी स्वर्ण का पर्वत है वो बना हुआ सोने का, वहां पर उसका नाम अंकित होगा। तो वो द्वारपाल कहता है मेरी एक राय है कि आप अपने परिवार वालों को ना ले जाए अंदर, अकेले जाके लिख के आ जाओ। वो कहते हैं अरे इसके लिए तो वो सब मेरे लिए मरे हैं, ताकि मैं जब अपना नाम लिखूं तो गर्व से मेरा भी सीना तन जाए और वो देखे कि हमारी ये है, हमारा पति है, बाप है, जो भी है। वो कहता है देख लो ऐसा होगा कि तुम अकेले जाओ और लिख के आ जाओ, देख लो पहले क्या है। तो कहता ठीक है। वो जाता है तो इतना विशाल पर्वत और उस पर्वत में एक युग का एक ही सम्राट नाम लिख सकता है और इस बार इसकी बारी थी, परंतु वो देखता है उस पर्वत में जगह ही नहीं है नाम लिखने के लिए। तो वो परेशान होता क्योंकि बाकी इसके पहले आए हुए सम्राटों ने नाम लिखा हुआ अपना अपना। वो कहता है अब क्या करूं। तो द्वारपाल कहता है किसी और का नाम मिटा लो और अपना लिखो, क्योंकि तुमसे पहले जो आए थे उन्होंने भी यही किया है, दूसरों का नाम मिटाओ और अपना लिख दो। उसे बड़ी निराशा होती है, बड़ा दुख होता है, पर यही सत्यता है। किसका कौन सा नाम, आज नाम है कल नहीं है। आज सब जगह वाह वाह हो रही है, व्यक्ति मर जाता है किसी को कुछ पता नहीं, ज्यादा से ज्यादा पुतला बना देंगे कहीं या फोटो टंगा देंगे और तब उसकी तारीफ बहुत होती है। मरने के बाद तारीफ चाहिए तो मरना पड़ेगा, ऐसा नियम है संसार का। जब जिंदा है व्यक्ति तो ईर्ष्या से जलते हैं, जब मर जाता है तो उस पर व्याख्यान और किताबें लिखी जाती है, चमत्कार डाले जाते हैं उसके ऊपर कि इन्होंने ये चमत्कार भी किए थे, सारे विरोधी प्रशंसक बनते हैं। परंतु मरना पड़ता है उसके लिए, तब तक कोई नहीं प्रशंसा करता। तो नाम की कामना एक माया है, मान की कामना। सम्मान कौन दे रहा है हमें, भगवान। इस सम्मान के सामने संसार के सारे सम्मान टिमटिमाते दीपक है, तुच्छ है। आज सम्मान करेंगे कल क्या कर देंगे, अपमान। आज वाह वाह करेंगे कल पीठ में छुरा घोप देंगे। धोखा ही धोखा। आज कहेंगे हम तुम्हारे सबसे बड़े मित्र हैं और जो सबसे बड़ा मित्र था वो एक दिन सबसे बड़ा शत्रु भी वही बन जाता है, सबसे बड़ा सहयोगी एक दिन विरोधी भी वही बनता है और तब पीड़ा ज्यादा होती है। तो तीसरी माया नाम की, मान की और शान की। और हमारी शान क्या है, समान। हमारी शान संसार की शान नहीं है, समान ही हमारी शान है। इस शान से नीचे आते हो तो क्या होते हो,
परेशान होते हो। तो ये तीसरा। चौथा कोटेशन, क्वेश्चन, करेक्शन, क्रिटिसिज्म, अव्यक्त महावाक्य है किसी मुरली में। चार माया के चार रूप। कोटेशन, कोटेशन अर्थात बड़े भी ऐसा ही करते हैं, ये हमारे बाजू वाला भी वैसा ही करता है, ये बाकी सब भी यहां ऐसे ही करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ, और हमने किसी को बता दिया मेरा अमृत वेला मिस हो गया और दोस्त भी ऐसा मिल गया, अरे कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। बड़ा धीरज। मिलता है कि ठीक ठाक है, ये कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा तो है। कोट करना, गलत कोट करना, बाबा को ही कोट करना, बाबा आप नहीं कहा था इस मुरली में इस तारीख में इसलिए हमने किया, आपने ही कहा था, मिलिट्री वाले हैं तो बाहर की क्या खा सकते हैं, ब्रेड खा सकते हैं, अभी 10 साल हो गए रिटायर हुए, अभी भी बाबा के वाक्य को पकड़े हुए हैं। बाहर का खा सकते हैं, शांतिवन के बाहर बहुत कुछ मिलता है। एक भाई हंसी में बता रहा था ये सब तो हमारे लिए ही है, तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा बाबा नहीं तो कहा है, मजबूरी हालत में बाहर का खा सकते हैं, मजबूरी कौन सी है, क्योंकि अंदर नहीं मिल रहा है तो ये मजबूरी हुई ना, जो यहां दिखाई दे रहा है ये अंदर नहीं है तो मजबूरी हुई इसलिए खाएंगे। माया महाठगनी हम जानी, कबीर ने कहा है माया महाठगनी है, अनेक अनेक विकल्प लाती है, मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, कुतर्क इसको कहा जाता है, और वह व्यक्ति फंसता है, खुद ही अपने अपने विचारों से तैयार करता है जाल और फंस जाता है उसमें। तो पहला कोटेशन, दूसरा क्वेश्चंस, व्यर्थ के प्रश्न करते रहना, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इनके साथ क्यों नहीं होता है, ये पार्शियलिटी है, हमारे साथ पक्षपात हुआ, फेवरेटिज्म, भाई भतीजावाद, यहां पर भी ऐसा ढेर सारे प्रश्न है, हर चीज के लिए प्रश्न है, हमारे साथ ही अन्याय कर रहा है, हमारे साथ जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, हम लड़ेंगे, विद्रोह करेंगे, एक एक को देख लूंगा। प्रश्नों से भरा चित्त माया का रूप है। तीसरा करेक्शन, दूसरों को ठीक करना। आज की मुरली ना तुम्हारे लिए थी खास, तुम सोते हो ना मुरली में, देखो तुम्हारे लिए आया, तुमको अमृत वाला नींद आती है, खास तुम्हारे लिए बाबा ने बोला है आज ही, एकदम मुरली सुनते सुनते एकदम व्यक्ति याद आ जाता है कि ये पॉइंट उसके लिए है, ऐसा कम आता है कि ये मेरे लिए है, और उसको बताएंगे जब तक नहीं बताएंगे जाकर कि आज की मुरली तुम्हारे लिए, आज का स्लोगन तो बस तुम्हारे लिए था, तब तक चैन नहीं मिलता है। करेक्शन करना, दूसरों को ठीक ठाक करना, तकदीर की लकीरों की मरम्मत करना, दूसरों की अपनी कम, चौथा क्रिटिसिज्म विरोध करना। जिनके पास आत्मा जहां खाली होती है वो विरोध करती है, फिर कोई भी अच्छा कुछ करे उसमें विरोध, कोई भी आगे बढ़े उसका विरोध, कोई भी कुछ भी करे विरोध करते जाना, विरोध ही विरोध। क्यों मैं विरोध कर रहा हूं किसी का, वो माया का रूप है, जरूर अंतर्मन में कुछ खालीपन है,
और जब भी आत्मा अंतर से खाली होगी ज्ञान और योग और तपस्या से, बाहर की ओर बुद्धि जाएगी और बाहर की वस्तुओं से, बाहर की बातों से उसको भरेगी, पर वो कभी भरेगी नहीं, क्योंकि बाहर की कोई भी वस्तु आत्मा को भर नहीं सकती, बाहर का कोई भी दीपक आत्मा के अंधकार को बुझा नहीं सकता, स्वयं ही प्रकाश पैदा करना पड़ेगा। तो ये चारों ही माया के रूप है। यदि हम कोटेशन में लगे हुए हैं, दूसरों ने क्या किया, इसने भी ऐसा किया, उसने भी ऐसा किया, मैंने किया तो क्या हुआ? पहले मौन में भोजन करते थे, यहां आकर देखा अरे ये लोग तो बातें करते करते खाना खाते हैं, हमने भी चालू कर दिया। उन्नति है या अवनति है, क्या है, क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो सभी ऐसा करते तो हमने भी किया। योग का समय है, नुमा शाम का योग, वो घूमने जा रहे, हम भी घूमने जा रहे, वो बैठकर योग करने का समय था, ना कि किचन में जाकर कुछ बनाने का, ना कि गपशप करने का, ना कि फोन पर लंबी लंबी बातें करने का, ना कि कमरे में बैठकर सोने का। ये साधना शिविर है, पिकनिक स्पॉट नहीं। ये सेलिब्रेशन, वो सेलिब्रेशन, इधर सेलिब्रेशन, उधर सेलिब्रेशन, आत्मा का वास्तविक उत्सव तपस्या है। बाकी सारे उत्सव उत्साह विहीन करने वाले हैं। तो ये चार कोट, क्वेश्चन, करेक्शन, क्रिटिसिज्म। हम किसी का क्यों विरोध करें? जिसको जो करना है करें। अभी वो समय खत्म हुआ कि हम दूसरों को करेक्ट करने लगे, दूसरों को बताएं अरे उठो अमृत वेला, दूसरों को बताएं अरे ये चल रहा है, किसको क्या बताएं, सबको सब पता है, उसके बाद भी सोए पड़े हैं, और बताने का भी समय गया। अब भगवान ने खुद बताना बंद कर दिया है, कितना बताएगा, कि अंत तक बताते ही रहेगा, कि लास्ट तक उंगली पकड़ कर लेके जाएगा, जो बताना था बता दिया, जो उसको जागना था वो जाग गए, जो समझदार थे उन्होंने इशारे समझ लिए, और जो मूर्ख है वो फंसे है माया में। तो ये चौथा, पांचवा, छठवा और सातवा कल